Sophie. Let me do this. वो छापने वाला नहीं है मैडम ऐसे भी वैसे वो गांवती है छापने वाला सब सामने मैडम सोफी एकदम सामने अरे यार अजीत को क्या दिया तेरे को अगर ये फोटो छापा मेरा वाला तो भी उनसे क्या प्यार सोफी बेटा सोफी एकदम सामने अरे मेरा कैमरा काम ऑल ऑफ यू गेट इन कौन है किधर के सब एक्चुअली मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग न्यू ईयर्स पे पार्टी करना पसंद करते हैं लेकिन मैं हर साल परफॉर्म करती हूँ और मुझे स्टेज पे आना बहुत अच्छा लगता है ये मैं अब चौथी बार कंट्री क्लब के लिए परफॉर्म करूंगी और इस साल पुणे में जो कि मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि मैं पहली बार इतना बड़ा शो कर रही हूँ पुणे में मैंने एक दो प्राइवेट शोज किए हैं वहाँ पे लेकिन इतना बड़ा शो और कंट्री क्लब के यहाँ हमेशा आई थिंक दुबई में जब मैंने शो किया था 20,000 लोग आए थे हैदराबाद में 17,000 तो आई थिंक पुणे में भी बहुत सारे लोग आएंगे इट्स वेरी एक्साइटिंग बिकॉज पुणे में कंट्री क्लब ने एक नया क्लब भी इस्टेब्लिश किया है इट्स अ न्यू मार्केट फॉर देम इट्स एन एक्साइटिंग मार्केट और पुणे के लोग वेरी फ्रेंडली वेरी कूल इट्स अ वेरी यंग कूल क्राउड तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू परफॉर्म देयर एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू येट अनदर सुपर हिट शो विद कंट्री क्लब तैयारियां कैसी चल रही हैं कौन से एक सेकंड सारा यंग क्राउड है और पहली बार हो रहा है कंट्री क्लब भी उनका पहला मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस है पुणे में पहली बार पुणे में हो रहा है आई थिंक इट्स द बिगेस्ट आई थिंक इट्स द बिगेस्ट वन बिगेस्ट वन हां रूटी की रिस्पांसिबिलिटी ऑन योर शोल्डर एज अ परफॉर्मर गोज अप I love having responsibility on my shoulders because I'm a born performer. It's what I'm meant to do. It's what I love to do. So I think मैं सबसे ज्यादा खुश और कंफर्टेबल स्टेज पे होती हूँ एंड आई नो हाउ टू मेक अ क्राउड रॉक और शायद इसलिए मैं लाइव सर्किट पे एक इतनी पॉपुलर परफॉर्मर हूँ आई थिंक हमारे मुल्क में अ लॉट ऑफ द गाइज आर परफॉर्मर्स बट वेरी फ्यू ऑफ द गर्ल्स आर परफॉर्मर्स मोस्टली प्लेबैक सिंगर्स हैं एंड दे लाइक टू काइंड ऑफ जस्ट स्टैंड एंड सिंग एंड दे आर फैंटास्टिक सिंगर्स
बट स्टेज परफॉर्मर होना अलग बात है और आई थिंक मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि लोग मुझे ना सिर्फ बतौर सिंगर जानते हैं बट एज एन एक्ट्रेस इज वेल सो फ्रॉम मी यू गेट नॉट ओनली द बॉलीवुड डांसिंग बट यू गेट द सिंगिंग एंड द परफॉर्मेंस इज वेल तो आई एम श्योर आई एम गोना मेक इट अ नाइट टू रिमेंबर फॉर द पुणे क्राउड एंड पूरी रिहर्सल शुरू हो चुकी हैं इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड आई लव दैट but my team and I are really excited to entertain them because I think maine itne saalon se perform kiya hai lekin mera sabse yaadgar new year performance was for country club in dubai a couple of years ago that was my most memorable show so my team and I are looking forward to recreating that magic so any specific dance number on your मैं जितने भी अपने शोज करती हूँ उसमें ऑब्वियसली ना सिर्फ अपने गाने जैसे हंगामा हो गया और एक परदेसी गाती हूँ लेकिन जो भी आजकल के सुपरहिट गाने चल रहे हैं मैं वो भी गाती हूँ सो यू विल हैव एवरीथिंग फ्रॉम यू नो स्टफ फ्रॉम बैंग बैंग और यू नो यू नेम इट ऑल द हिट्स विल बी देयर अभी तो पार्टी शुरू हुई है यार ना मिले जुम्मे की रात ऑल ऑफ दोज आर द काइंड ऑफ सॉन्ग्स आई डू तो वो सिंगिंग परफॉर्मेंस में भी होंगे और आजकल के जो सुपरहिट गाने हैं उन पे डांस भी होगा तो आई हैव टू एंट्रीज वन एज अ dancer especially after jhalak sab dekhna chahte hain ki main dance kaise karungi so one entry is as a dancer and the other entry is as a singer so for me it's sone pe suhaga it's the perfect combination and I'm very excited to be on stage get up ki agar baat karo look ki baat hai 31st ke sabka dhyan hota ki Sophie Chaudhary kaun se get up pe dikhai dene wali I think New Year's pe aur mere har stage show pe I'm of course known and thankfully I'm very grateful people think I'm stylish aur unko mera fashion sense pasand hai to obviously stage pe fashion sense thoda alag hoga because it has to be a lot more bling it has to look glamorous it has to look fabulous and sexy but not too sexy so all of those things you have to keep in mind so I've been working on my look with a designer and I think aap sabko bahut acha lagega every year I try and do something different and I think country club ke liye bahut important ye hai ki it has to look glamorous it has to look stylish but at the end of the day you're catering to a family audience aur maine jitna bhi kiya hai chahe wo mere item songs jaise ala re ala ho ya jo bhi filme hain I've never crossed the line of being vulgar just to get attention I don't think I need to do it I think if you're talented you don't need to get indecent so that won't be there but yes I'm known to be glamorous I'm known to be sexy wo hoga zarur and I hope ke kapdon se zyada wo meri adaon mein hai that's more important okay adaon ki hum baat karte hain marathi crowd bahut zyada hone wala hai ji percentage high hai marathi ji audience ki baat kari jaye kya launi wagera bhi kuch perform karne wali hai I don't think so I think I would love to I think given a choice is saal jitna dance maine kiya hai bahut kam logon ne kiya hai aur wo bhi alag alag styles mein to lavani is something I would love to do we're definitely going to add a maharashtrian touch and let's not forget mera jo gana tha ala re ala from shootar aur wadala usme bhi maharashtrian touch hi tha to wo to definitely will be there and chikni chameli is of course a favorite with that rhythm aur main zarur koshish karungi kuch line marathi mein bhi gaane ki to yeah I'm there to entertain but I think हिंदुस्तान में और जहाँ पे भी हिंदुस्तानी होते हैं चाहे लंदन हो अमेरिका हो चाहे नॉर्थ साउथ जहाँ पे भी हो हम सबको फिल्मी गाने बहुत पसंद आते हैं तो दैट्स व्हाट आई वांट टू एंटरटेन द क्राउड विद अपकमिंग प्रोजेक्ट की अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट की अगर अभी इनका हाँ बताइए अपकमिंग प्रोजेक्ट की अगर हाँ सेम है अच्छा तो मैंने पिछले महीने एक बहुत ही बढ़िया फिल्म गाना शूट किया है वेरी गुड कुछ टूटा क्योंकि इससे लक आएगा या आई शॉट फॉर अ फिल्म सॉन्ग लास्ट मंथ द प्रोड्यूसर्स आर नॉट लेटिंग मी से कौन सी फिल्म किसके साथ क्या लेकिन मेरे लिए एक्साइटिंग है क्योंकि उसमें मैंने गाया भी है परफॉर्म भी किया है तो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग थिंग फॉर मी एंड आई एम श्योर पीपल विल लव इट और आई होप इट्स अ न्यू क्लब एंथम उम्मीद तो यही है बहुत मजा आया शूट करते हुए एंड इट्स वेरी फ्रेश वेरी कूल बट मैं अलाउड नहीं हूँ कुछ कहने के लिए तो song should be coming in January to zyada waqt nahi hai okay it will be a surprise from your side as I said you know you can't discuss more about this yeah act bhi kiya nahi isme maine sirf song kiya I've done a, it's not an item song also it's more like a promotional song so facebook chat yeah anything else you all want to ask okay so facebook chat pe aap judne wale the fan ki to unhein kya kuch excitement dekhne wale I think country club ke sath jab kaam karte hain sabse exciting hota hai ki aap logon ke sath bahut sara interaction ho jata hai jo bahut acha lagta hai aur sath hi sath unke members ke sath so 30th night those in pune All of you, please come and meet me for the meet and greet. I'm really looking forward to that. और उसके अलावा 31st को show है in Pune. Aman,
अमनोरा, सो पुणे अमनोरा कंट्री क्लब, वहां पे शो है, जरूर आइएगा, इट विल बी सुपर एंटरटेनिंग, एंड चेक आउट द न्यू कंट्री क्लब क्लब दैट दे हैव लॉन्च्ड देयर, इट्स सुपर कूल. और उसके अलावा अभी मैं फेसबुक चैट करने जा रही हूँ, तो जितने भी सवाल बाकी सब पूछना चाहते हैं उनको भी मौका मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को काफी मौके मिलते हैं. थैंक यू सो मच.